Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पूर्व में केंद्र में यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के बहुत उच्च पदों पर सेवाएं दी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनमें से एक नेता हरीश रावत जी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उन नेता ने राम मंदिर के संदर्भ में एक बयान जारी करा है जिसकी निंदा आम आदमी पार्टी करती है। हरीश रावत जी ने बयान जारी कर ये कहा है कि यदि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वे अयोध्या में ही राम मंदिर, उसी स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे। उनसे पूछा गया उनके बयान देने के कुछ दिनों के बाद कि क्या ये पार्टी का, क्या ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो हरीश रावत जी ने पत्रकारों से बात करते हुए देहरादून में ये कहा कि मुझे बयान दिए हुए लगभग हफ्ता हो चला है, पिछले एक हफ्ते में क्या आपने कांग्रेस प्रेसिडेंट या कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को मेरे बयान का खंडन करते हुए या मेरे इस बयान से पार्टी की दूरी बनाते हुए देखा? पत्रकारों ने कहा नहीं देखा। तो उन्होंने कहा आप समझ सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी ने इस बयान का समर्थन नहीं करा, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को नकारा नहीं और इस बात का समर्थन करा, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को नकारा नहीं, इस बात का समर्थन किया, और उन्होंने मेरे इस बयान को खंडित करते हुए या इससे दरकिनार करने के लिए किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है और मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर उनकी ओर से औपचारिक तौर पर पत्रकारों के वार्ता के बीच ये बात कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी अयोध्या में ही लोकसभा चुनाव जीतने के उपरांत मंदिर बनाएगी। कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला सवाल जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहेगी वो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी खुद हरीश रावत जी के इस बयान का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी की अधिकृत लाइन, ऑफिशियल लाइन, ऑफिशियल स्टैंड क्या कांग्रेस पार्टी का वही है जो हरीश रावत जी ने कहा? दूसरा सवाल, क्या खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस, क्या खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली कांग्रेस आज धर्म का सहारा लेकर चुनाव लड़ना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी जो इस बात को भली भांति जानती है कि राम मंदिर का मसला जो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये मसला इस देश की सर्वोच्च न्याय की अदालत सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो क्या वे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करते हुए, क्या वे सुप्रीम कोर्ट और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रकार का बयान केवल चुनाव में कुछ लाभ लेने के लिए दे रहे हैं? चौथा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड काफी समय से रहा है और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं राम मंदिर की बात को उठाने लग जाती है और जब चुनाव खत्म होते हैं तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के कदमों पर चल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर इस मसले पर अपनी बातें रख रही है? हमारा पांचवा सवाल, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, देश में यूपीए की सरकार रही, उसमें से कई वर्ष हरीश रावत जी खुद उस सरकार में मंत्री रहे, तब क्यों नहीं कांग्रेस ने मंदिर बनाने की बात कही, तब क्यों नहीं कांग्रेस ने मंदिर बनाया? यदि आज वे इस बात पे वोट लूटना चाहते हैं तो उस समय कांग्रेस को बनवाना चाहिए था, कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई उस समय मंदिर?
और छठा और आखिरी सवाल, 1993 में कांग्रेस पार्टी ने ही भारत की संसद में एक प्रस्ताव लाया था, जिस प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि उस विवादित स्थान पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस स्थान पर मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरी बना दी जाए और अन्य प्रकार की चीजें बना दी जाए, जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी ने संसद के पटल पे किया और वो बात रखी। क्या कांग्रेस 1993 के अपने बयान से और अपने प्रस्ताव से, संसद में दिया गया अधिकृत प्रस्ताव, उससे पल्ला झाड़ रही है और उस प्रस्ताव को बदलकर क्या आज कांग्रेस ने अपनी लाइन चेंज कर ली है राम मंदिर पर? आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पे कांग्रेस से ये पूछना चाहती है कि क्या वे अब भाजपा की बी टीम के तरह इस मसले को चुनावों में इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या वे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के जो मसले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करेंगे, उस पर इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके और इस देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो भी आज जनता के सामने आ गया। हमारे ये 6 स्पष्ट सवाल हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से। मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करेगी, इस मसले पर अपना बयान सार्वजनिक करेगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।